यार स्क्रैच तो काफ़ी आ गया है वैसे। अगर आकेब होता ना उसे कहता यार वो बम्पर ही रिपेयर कर देता। अब फिर यार किसी वर्कशॉप पे भेजना पड़ेगा मुझे इसे। चलो जिमी को बोलेंगे यार वही लेके जाएगा, क्योंकि भाई मेरे पास तो यार अब इतना टाइम है नहीं। चलो देखते हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। तो यार अभी ना मैं ज़रा ये देख रहा था यार ऑल्टो पे ना ये ज़रा स्क्रैच आ गया सामने एक, पता नहीं किधर से यार ये लगी है, कोई समझ नहीं आ रहा मुझे। चलो जिमी को बोलेंगे यार वो ले जाएगा, वो ठीक करा लाएगा बाद में। खैर अभी चेक करो भाई, यही मसले ने यार इतनी गाड़ियाँ अब घर में खड़ी हुई हैं ना, फिर देखो अब कभी इस पे यार स्क्रैच आ जाता है, कभी उस पे आ जाता है। खैर अभी तक यार ये जिमी वाली सिविक पे तो नहीं आया, लेकिन वैसे ही मैं एक बात कर रहा हूँ, ये देखो यार मार्क एक्स को भी काफ़ी टाइम हो गया ज़रा स्टार्ट ही नहीं किया। मैं ज़रा इसको स्टार्ट करके यार थोड़ा गर्म तो कर दूँ ना, क्योंकि वैसे यार अभी मैंने ड्राइव तो करनी है ना, लेकिन फिर मैंने कहा यार ज़रा गर्म हो जाए फिर निकलते हैं। चलो बस निकलते हैं फिर यार अब। और ऐसे यार एक जो एम जी है ना ये अभी ज़रा मैं घर ले आया था, वैसे ही मैंने यार टेस्ट करनी थी, मैंने कहा चलो फिर यार इसको ज़रा एक दफ़ा घर ले जाते हैं, फिर यार ये शोरूम पे वापस ले जाऊँगा, क्योंकि अभी वैसे भी यार ज़रा कस्टमर आ जा रहे हैं नहीं इतना। फिर मैंने कहा भाई अभी यार कोई फ़ायदा भी नहीं अगर सारी गाड़ियाँ मैं इधर शोरूम में खड़ी की रखूँ। टेस्ट की थी मैंने वैसे यार एक दिन के लिए, लेकिन अच्छी है यार उसकी ड्राइव वगैरह तो काफ़ी। बाकी यार वो जो दूसरी प्राडो आपने देखी थी ना कल वाली एपिसोड में, तो उसकी यार एक कस्टमर से बात तो होगी है, तो बस आज के दिन में फिर यार उसको भी अब डिलीवर करना है। उसी वजह से भी आपने देखा ना यार वो हमारे घर में ही पार्क हुई भी है। तो बस अभी चलते हैं। और यार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आज मैंने आपसे ना कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा भाई शोरूम आ जाए, मैं शोरूम पर बैठ के आपसे सारी डिटेल में बात कर लूँगा। पता नहीं यार डॉक्टर साहब किन कामों में पड़े हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रही यार वैसे इनकी। मैं ज़रा सबसे पहले यार जैसे ना पेट्रोल भी दिलवा लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक तो यार गाड़ी निकली है और पेट्रोल भी थोड़ा है, भाई ये निकल जाए यार फिर ही मैं जाऊँ। तो चलो अब यार हम ज़रा इधर से ना पेट्रोल भी फुल करवा लेते हैं, क्योंकि जिमी को उन्होंने बोला तो था कि वापसी पे भरवा लाना आते हुए, लेकिन उस दिन जी ये फैजी साहब के साथ घर पहुंच गया, फिर आके भी यार एक गाड़ी लेके गया। अब उसको मैं क्या कहता कि वो पेट्रोल दिलवाए, उसकी जेब में तो यार इतने पैसे ही नहीं होते कि वो पेट्रोल दिलवाए, अपने बाइक में दिलवा ले बहुत बड़ी बात है। चलो भाई पेट्रोल तो दिलवा लिए यार, वैसे आज काफ़ी महंगी टैंकी फुल हुई है, क्योंकि असल में महंगा भी हो गया ना यार कल, तो इस वजह से फिर मैंने यार पहले तो फुल कराई नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, अब यार वो फुल तो करवानी पड़ेगा ना अब हमें पेट्रोल ऐसे। अब चलता हूँ भाई सीधा शोरूम, और फिर डॉक्टर साहब को भी बता देता हूँ कि भाई शोरूम ही आ जाएं। तो उन्होंने मुझे यही कहा था कि जब आप शोरूम पहुँच जाओ ना फिर मुझे बताना, मैं तभी आ जाऊँगा। अब इनसे डिस्कशन करते हैं यार, मैं पहले ना इनसे यार डिटेल में सारा काम पूछूंगा कि भाई ये करना क्या चाह रहे हैं आखिर, कोई समझ नहीं आ रही कोई यार सही सीरियस होकर ना मुझसे वो बात कर ही नहीं रहे, कहते हैं बस बस काम शुरू किया है ये है वो है शुरुआत है। तो भाई बताएँ तो सही ना यार हमें भी, ताकि हमें भी पता हो कि ये काम डॉक्टर साहब ने शुरू किया है। अब पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या काम शुरू किया, कभी ये ना हो यार डॉक्टर साहब गायब ही हो जाते हैं, ना ही अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यार अगर कभी कोई गायब हो ही जाते हैं हमें पता हो भाई कि बैक पर डॉक्टर साहब ने ये काम शुरू किया हुआ था, तो इस वजह से इनके साथ ये बंदे मिले हुए थे। तो मुझे तो लग रहा है यार डॉक्टर साहब सही अभी काम नहीं कर रहे, तो ये ना कोई यार ऐसे इलीगल से ही काम शुरू हुए हुए हैं। खैर यार अब बड़े हैं समझदार हैं तो इतना तो समझ सकते हैं अब यार अच्छा क्या और बुरा क्या, हम अब क्या बोलें यार इनको, बस ये मैं तो यार अच्छा मशवरा ही दे सकता हूँ, आगे अमल करें ना करें यार इनकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलो खैर छोड़ो यार ये काफ़ी लंबा लेसन हो जाएगा, वो डॉक्टर साहब से मैं एक दफ़ा ही जाके बात करूँगा। यार वो फैजी किधर गया है? अच्छा तो अभी जिमी भी नहीं आया ना अभी? हाँ हाँ वो तो गाड़ी था, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, कोई कस्टमर वगैरह तो नहीं आया अभी इधर? चलो ठीक है ओके ओके, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, अगर कोई आया तो उधर ही भेज देना उसे। ठीक हो गया, फैजी किधर निकल गया यार ये सुबह सुबह, मैं अभी आया ही नहीं हूँ शोरूम पे और वो ऐसे ही यार शोरूम को खुला छोड़ के निकल गया। बेशक सिक्योरिटी गार्ड्स हैं लेकिन यार गार्ड्स का भी कोई अता पता नहीं है हमें, ये तो वैसे ही बस जो हमें मिला हमने अरेंज करके रखवा लिया है। क्या बोलूँ अब यार, एक तो बच्चे बच्चे हैं ना इनके हाथ में, मैंने अभी इतना बड़ा शोरूम डाल दिया है, समझ आ रही है नहीं इन्हें, मुझे लग रहा है यार खुद ही मुझे सारा मैनेज करना पड़ेगा। सबसे पहले ऊपर जा कर भी यार ज़रा सेटअप चेक करें, क्योंकि मैं बड़ा बेफिक्र हुआ हुआ था कि ऊपर यार ये जिमी और फैजी जो है ना ये सही काम संभाल लेंगे, लेकिन नहीं भाई जैसे इनके काम है ना मुझे लग रहा है यार ये बहुत ही लापरवाहियाँ कर रहे हैं ऊपर भी। खैर ठीक है यार गाड़ियाँ तो ठीक पार्क हुई हुई हैं ऊपर, ऑफिस में ज़रा जाके काम चेक करूँ। कि अब देखो ना यार इतना बड़ा शोरूम ठीक है जी ऐसे खोल के फैजी गायब हो गया, किधर पता नहीं किधर निकल के आ रहा है, कोई गाड़ी पर काम कराना था यार, इनके भी वैसे काम ख़त्म नहीं होते, पता नहीं किधर अब चला गया। अब मैं वेट करूँगा फिर यार इधर ही, अब डॉक्टर साहब को फिर बुला लेते हैं यही है कि भाई इतनी देर अब मैं क्या करूँ यार इधर बैठ के। चलो ठीक है भाई, बाकी तो यार गाड़ियाँ शाड़ियाँ सेट है इधर, बाकी ऑफिस का यार ज़रा देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा ठीक है ऑफिस तो यार सही मैनेज किया हुआ है, ये क्या चक्कर है इधर जिमी की फ़ोटो आती थी पहले, एक मिनट ठहरो यार शायद मुझे नज़र नहीं आई दूर से,
कि मैंने आपको बताया था ना यार, इसके ऊपर मैजिक शीट लगी है, इस वजह से वो जब आगे जाती हो ना, वो रिफ्लेक्शन चेंज होकर जिमी की फ़ोटो बन जाती है। ये क्या चक्कर है यार, जिमी की फ़ोटो ही नहीं बन रही। बस इतने से दिन चलनी थी यार वैसे, ये कोई हाल नहीं यार वैसे इसका भी। ये हमने उस वक्त ना यार ये 1000 का फ्रेम रेडी करवाया था, और ये पता होता ना कि इसने एक हफ़्ता ही चलना है तो फिर हम इस पर यार इतना खर्चा ही ना करते, हम कोई अच्छा और फ्रेम नया बनवा के लगवा लेते। जिमी की भी समझ नहीं आती भाई, से जो चीज़ पसंद आ जाए ना बस वो कहता है भाई ये लगानी लगानी है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो भाई लगा लो। अब आए ना ज़रा उसको, फिर मैं बोलूँगा भाई कि अब इसको उतारे और उस बंदे के पास वापस जाए और उसे दिखाए कि क्या मसला है। अरे यार ये क्या फटफटी, एक तो इसने मुझे दे दिया है यार, स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तो गाड़ियाँ आ गई है पीछे, वो देखो कहाँ से हॉर्न देना शुरू हो गया है लोग, और यार स्टार्ट ही नहीं हो रही। एक तो यार अपनी गाड़ी का थोड़ा मसला बारी है, बम्पर लग गए थे यार दो जगहों से, फिर मैंने ना वो ज़रा रिपेयर होने के लिए दी हुई है, शाम को मिलेगी यार गाड़ी। तो फिर उस वजह से मैंने यार ये मोटरसाइकिल ले ली है एक देर के लिए। अरे यार क्या करूँ भाई, स्टार्ट ही नहीं हो रही। मुझे लगता है यार धक्का लगा कर आगे ही कर लूँ थोड़ी सी यार। वैसे बहुत गया कोई जो पीछे बदा आ रहा है ना, सही बात है बहुत सब्र वाला है, अभी तक किसने हॉर्न नहीं दिया, बाकी जो पीछे बैठे हैं उन्होंने 2-3 दफ़ा दे चुके हैं। क्या करूँ यार, एक तो ये स्टार्ट ही नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही, गलती की है यार उससे। ये जो मैं मोटरसाइकिल ले आऊँ ना उससे बेहतर था टैक्सी में फिरते। होगी और फिर बाद होगी है यार, क्या समझ नहीं आ रही यार इसकी, पता नहीं यार कौन सा उसमें इंजन दला हुआ है, अल्ट्रेशन इतनी कराई हुई है इस बदर, एक तो इसमें चलने का नाम ही नहीं लेती यार ये। ओह ये फिर वही आ गया यार, इसको एक मिनट आगे निकालू ना भाई मैं। अरे रुक गया यार, क्या चक्कर है। अरे अरे ये देखो मैंने गियर में डाली यार, थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है फिर अचानक, ठीक है यार थोड़ी सी चलती है फिर बंद हो जाती है। ओ भाई कोई समझ नहीं आ रही अब यार, इसको मैं लेके किधर जाऊँ, इधर उसके पास लेके गया, वो कहेगा तुमने मेरी बाइक फारिग कर दी है, उसके पास तो जाना ही नहीं है भाई। इसका ये तरीका, इसको गियर में डाल के रहा यूँ ही करता हूँ, रेसे देता हूँ बार बार। ओ भाई साइड पे हो जा, वो साइड पे हो जा, तेरे ऊपर चढ़ जाएगी वर्रा, और साइड पे हो जा, वो साइड पे हो जा। अरे स्टार्ट हो जा यार, क्यों बेइज्जत करा रही है इतना, इधर तो पैंट बोर्ड भी पहना हुआ ऊपर से बाइक। ओह ये देखो इसके काम भाई। ओ हेलो हेलो ये क्या हो गया भाई, और ये कौन आ गया यार ये सामने, ये देखो पागल हो गया यार सारे, उसके काम देखो यार। एक बैठा रहो भाई, मैं बंदों को देखता हूँ यार जाके, है ये क्या कर रहे हैं यार इधर, अभी ठहरो इनकी मैं बदमाशी निकालता हूँ इधर। ये है हट पीछे, इसको मैं बताता हूँ भाई तू ठहर एक मिनट। ओ भाई स्टार्ट हो जाए, निकले वो इधर नीचे होता है, अरे बंदे पे हाथ उठाता है, ए तेरी मजान भाई यार, मैं आप पे भी हाथ उठा लूंगा ठीक है, मैं जाल तक में जा रहा हूँ, उठा रहे ये लो भाई जान, ये लो अब बोलो। अब देखो तो मैं करता क्यों तुम्हारे साथ, लगता है जानते नहीं हो तुम हमें अभी। हाँ जी जी जाता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से जाता हूँ, है जानता नहीं हूँ, हाथ ना लगाओ। क्या कर लोगे, ये कर लूंगा ये देख रहा है, पीछे हो जा वो पीछे, हाथ ना लगाइए उसको। तू भी आ गया, इधर आ इधर, तुझे भी बताता हूँ इधर आ, टोपी वाले अभी शो बार है यार, ये टोपी देख रहा, लड़े की टोपी उठाई हुई है 50 रुपए वाली, शो ऐसे बार है, पता नहीं लिवाइस के किसकी टोपी पहनी हुई है, अजीब लोग है यार वैसे यहाँ के भी सारे ही। ओ भाई स्टार्ट हो जाए अब यार, बस ये चलो ठीक है यार स्टार्ट तो हो गई है, देखो यार कितने बदे गिरा दिए इधर इस, ओह बाद होगी यार फिर। ओ भाई साइड पे हो जा, वो तू साइड पे हो जा, तू आ जाएगा ये देखो। ओह गाड़ी में लग गई है यार एक तो, हाँ भाई सॉरी यार चलो शुक्र है यार इसने कुछ बोला नहीं है मुझे, नहीं तो भाई इसके साथ भी यार फटा हो जाना था ऐसे ही इधर। तो ऊपर से बाइक एक तो ऐसी फटफटी है, ऊपर से इन्होंने दिमाग खराब कर दिए मेरा, सही बात है। बस चलती रहे भाई आप, चलती रहे यार, बंद ना हो जाए कहीं, बस चलती रहे यार, एक तो बंद हो जाती है फिर यार, बड़ा गुस्सा आता है इस बाइक पे। अरे अरे ब्रेक ही लग रही, ओहो ब्रेक ही लग रही, ओहो क्या हो गया क्या हो गया, भाई साइड पे हो जाए यार, ओहो अब क्या हो गया, ब्रेक ही नहीं लग रही पहले, ओहो ओ ट्रक वाले हो यार, नजर नहीं आ रहा तुझे। एक मिनट ठहरो इसको मैं बताता हूँ, भाग रहे, एक मिनट बच्चे ठहरो, स्टार्ट हो जाए तू, होगी शुक्र है स्टार्ट तो होगी, अब ट्रक वाले को मैं बताता हूँ भाई, यार समझता क्या अपने आप को, ऐसे टक्कर मार के भाग आएगा, तू ठहर बच्चे, एक मिनट रुक जा, हमारे साथ बच्चे फनकारियाँ करेगा, एक मिनट इसको मैं उतारता हूँ, देखो आप लोग बस ये, हाँ अब बोल इधर आ, एक मिनट इधर आ। अरे भाई माफ कर दो भाई, माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो इधर आ, मेरी तुरे है कमर तोड़ दिया, माफ कर दो। अरे भाई माफ कर दो प्लीज भाई, माफ कर दो ना, माफ कर दो, उस वक्त नहीं तुझे समझ आई, माफ कर दो, छोड़ूगा नहीं मैं तुझे, इधर आ इधर आ। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, माफ कर दो ना भाई, माफ कर दो, अजीब बंदा है यार। अरे ना मारो ना प्लीज, ना मारो, खून निकल रहा है इतना भाई, इनके साथ यार बात ही ऐसे करनी पड़ती है, इसके काम देखो है, तूने हाथ कैसे उठाया उस पर, इधर आ, तूने हाथ कैसे उठाया है, इधर आ,
यार ये लोग पागल हो गए, आज क्या हुआ है? कोई समझ नहीं आ रही भाई। वो देखो उस बेचारी को मार दिए यार एवी। ठहरो यार मैं देखूं। हेलो जिंदा हो? हेलो हाँ जी जिंदा हूँ, थैंक यू बचा लिया आपने मुझे जगह। हाँ जी जी किधर जा रहा है आपने? आज मेरे साथ बाइक सामने खड़ा हुआ है। अच्छा चलिए आपकी बस में आ रही हूँ। हाँ जी जी आज आज ये वाला बाइक है, एक तो ट्रक के साथ पगा पड़ गया ना यार। आज बैठ जाए बैठ जाए। एक बार यार यार फिर चलते हैं भाई, स्टार्ट रहे यार ये कहीं बेइज्जत तक करा दे। हाँ जी बैठ गई है ना? जी जी बैठ गई हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा। सही बात है, नजर तो नहीं आ रहा क्योंकि मेरी अब दो आंखें आगे ही है, पीछे तो है नहीं। ये देखे निकाला कैसे है फिर मेरे बाइक। अच्छा अच्छा धूम मूवी ना बनाए, आराम से चले स्कूल। अरे 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 ओहो यार ये क्या हो गया है? ओ भाई ब्रेक एक तो लगती नहीं है इसकी। अरे सॉरी सॉरी बच गई आप, लगी तो नहीं है? हाँ जी बच तो गई, आराम से चलाई, पहले भी खाए आपको। एक मिनट तो जताता हूँ, हार दे रहा है ऐसे है? अच्छा आज आज छोड़े आप इसे, आज आज बैठे अब आराम से चलाऊंगा। एक तो ब्रेक लगती नहीं है, असल में बाइक ऐसा है ना ये बिल्कुल ही। हाँ जी ये बात तो है, वैसे बिल्कुल ही फारिग है आपकी तरह। अरे अरे एक बात तो गलत की है, देखो मैंने बचाया है, अगर मैं ना आता तो उससे आपको मार दे रहा था आज बिल्कुल। अरे आपने ऐसे मुझे खैर दी है बहुत, वैसे दुख हुआ दिल पे लगी कि जाके सही बात है, बड़ी गलत बात की है आपने इस तरह। अरे अरे गुस्सा तो ना हो, मीनिंग ना उठाए क्या कह रही हूं, जब गुस्से ही कर गई मेरे मजाक की है, मैं ऐसे कह रही थी। अच्छा अच्छा मैं भी खूब वही भगा दे भाई, इतना हैंडसम बॉय आया है आज, अरे कैसे कोई कहता नहीं है उसको बिल्कुल। चले ठीक है ठीक है। अच्छा ज्यादा किस साइड पे आपने? अरे 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 क्या जंप्स है बाइक पे वैसे। अच्छा कौन सा पार्क है जो बैक साइड पे है ना वो वाला ना? चले मैं उधर ही लेके जा रहा हूँ बाइक, सीधा वो सामने आ गया पार्क वही वाला है ना? हाँ जी जी बिल्कुल यही वाला पार्क है। अच्छा अच्छा चले ठीक है। ओह यार एक तो इतना बेइज्जत करा रहा है ये बाइक आज। अरे यार सॉरी सॉरी फिर लगी तो नहीं आपको? नहीं नहीं शुक्र है बच तो गई हूं। अच्छा चले सही हो गया, बाकी मैं चलता हूँ ठीक है, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो ठीक है ये मेरा नंबर है तो बेशक आप बुला ले मुझे जिस टाइम। अच्छा चले ठीक है। ओके ठीक है जी फिर अल्लाह हाफिज़। चलो भाई निकलते हैं यार, असल में यार जा रहा मैं कहीं और था, पता नहीं किधर निकल गया यार। अरे अरे सॉरी सॉरी जी यार, ये वैसे इसका है कुत्ता, चेक करो भाई। ओह भाई कहीं अटैक ही ना कर दे यार, ये अटैक कर रहा है कि क्या कर रहा है यार, समझ नहीं आ रही कुछ, इसको भी बचा ले। अरे नहीं नहीं अच्छा अच्छा यार इसका ये अपना कोई पालतू कुत्ता है। ऐसे सही बात है आज मदद किया ना यार किसी की, सही बात है, बड़ा दिल को सुकून मिल रहा है यार वैसे आज। एक बार ठहरा यार ये जो नंबर दिया इसमें ज़रा कॉल करके ज़रा चेक करें, आपके भाई ने पहले यार ले लिया था ना, कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो तो फिर यार बुला ले गया ना, कोई मसला नहीं। क्या नंबर था? 0 3 4। पापा ये तो ना करें प्लीज़ यार, फिर टू समझाना यार प्लीज़। अरे यार जी भी मैं कह रहा हूँ व्हीकल अंकल ऐसा तो बात करे, व्हीकल अंकल अभी भी टाइम है रुक जाए। ज्यादा बकवास ना करो तुम दोनों ठीक है, जिमी तुम भी चुप कर जाओ, तुम्हारा ये चमचा इसको भी चुप कराओ वरना दोनों को इधर ही ठोक दूंगा मैं। हाँ जी जी व्हीकल साहब सही कर रहे हैं सही कर रहे हैं, फाड़ दे सारा कुछ फाड़े आज, इसकी गाड़ी भी फाड़ दे बाइक भी फाड़े। हाँ बीदी देखे भाई मैं करता क्या हूँ इसके साथ, ये एक और गोली पड़ी है ना बस, अब सब काम फारिग बिल्कुल, अब इंसानों की तरह शोरूम पे आया करेगा और सही काम करेगा, हर वक्त गाड़ी गाड़ी हर वक्त बाइक बाइक भाई, अब ये सारा सीन खत्म है। मेरी इतनी प्यारी बाइक है ना किधर चली गई, मेरी बाइक इतनी प्यारी थी। हाय ओह हाय पापा प्लीज ना करें ऐसे, पापा ना करें प्लीज। हैं अरे वो ख्वाब देख रहा था? शुक्र है भाई यो ऐसा ख्वाब देखा यार, अभी सही बात है डर लग गया यार पापा से तो, और पापा की आवाज़ ऐसी हुई हुई थी यार, पापा ने ना ऐसे किया यार, क्या बोलूँ मुझे बोलते हुए भी यार डर लग रहा है सही बात है। अरे कॉल जाई हुई है, ओह पापा कितनी ज़्यादा मिस कॉल जाई हुई है। अरे अरे यार कहीं पापा को सच्ची में कुछ ना कर दें, अक्सर यार जो इस टाइम ख्वाब आते हैं ना यार वो अक्सर सच हो जाते हैं। नहीं 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 यार ये ख्वाब सच नहीं होने दूंगा मैं, बस इधर से यार जल्दी से निकलता हूँ कि पापा ने ना आज मुझे काम बोला हुआ था। शुक्र है भाई आँख खुल गई यार, मैं तो सो रहा था उस वक्त से। चलो इधर से यार नीचे जाता हूँ, अच्छा पापा बोला था ना मुझे यार, तो यार मैं सही भाट है हार्ट बीट इतनी तेज होगी जब से ख्वाब देखा है, मैं कहता हूँ अभी आप लोगों को यार गाड़ी में बैठ जाऊँ ना एक दफ़ा। वैसे यार ये वाली जो गाड़ी है ना स्कॉर्च जरा मैंने कलर चेंज करवा के लाना है, और इसके ना यार रिम्स चेंज करने हैं, फिर ये कस्टमर को डिलीवर करनी है। सही बात है मुझे तो याद ही नहीं रहा यार, ये देखो है दिन का टाइम हो गया भाई, आँख ही नहीं खुली यार मेरी, एक तो अलार्म भी लगाया है फिर भी यार अलार्म नहीं बचा। अब मुझे सही बात है पापा से बहुत डर लगना शुरू हो गया अब यार, कहीं पापा ऐसे ना कर दें, बहुत बुरा कर रहे थे यार मेरी, अरे मेरी शिवे कैसी जल रही थी, 1 to 5 भी
आगे भाई कह रहे थे बहुत अच्छा कर रहे हैं माइकल साहब, ऐशी करें ऐशी करें। अरे इश्क के काम देखो यार, एक तो मैं पागल हो गया शहीद बार जब यार ये ख्वाब देखा ना कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। देखो यार उठे शाट में शीधा आप काम पे जा रहा हूँ, पापा ने मुझे बोला हुआ था, नाश्ता भी नहीं किया। तो भाई सही बात है, डर लग गया यार मुझे तो आज की डेट में। बस यार जैसे भी हो ना बस इसको फुल रेडी करा के, पापा आप यार जो काम भी बोलेंगे ना भाई वो काम सीधा करूँगा। हाँ मुझे लग रहा है यार ये ऐसे कहीं यार ये ख्वाब सच ना हो जाए। यार पापा की आवाज़ भी वैसे ऐसी हुई हुई थी ना, यूँ सही बात है जैसे बोलते थे वैसे ही डर लग रहा था। और एक और बात है यार, ख्वाब में मैंने ना शनि को भी देखा है, शनि भी कुछ कह रहा था कि बहुत अच्छा कर रहे हैं माइकल अंकल, जिमी के साथ ऐसे ही होना चाहिए। यार बहुत बुरा ख्वाब आया है, सही बात है डर लग गया यार, सही बात है कुछ समझ नहीं आ रही है यार मेरे साथ आगे क्या होगा, बस ख्वाब सच ना हो जाए कहीं। जी जी माइकल सही बात कर रहा हूँ मैं, आपसे झूठ क्यों बोलूँगा डॉक्टर साहब। अब आप मुझे बता रहे हैं सारी बातें हैं, उस कितना टाइम हो गया तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6-7 महीने हो गए इस बात को, अब आप मुझसे सारी डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने कहा माइकल कहीं आप मेरे से दोस्ती ना ख़त्म कर दें जब मैं उसकी ज़्यादा साइड लूँगा। तो डॉक्टर साहब जो बात सीधी है तो आप जहाँ सच है वो मुझे आप सीधी बात बताएं, इतनी अब देखें मिसअंडरस्टैंडिंग बनी और कहाँ बात पहुँच गई है, ये सब कुछ पता होता तो आपके मेरी साइड पे होता। जी जी माइकल ये बात है, लेकिन माइकल अभी भी ना वक्त गुजरा नहीं है, अभी भी हमारे कंट्रोल में है सब कुछ। अच्छा जी जी माइकल अभी ना मैं बुला लेता हूँ सादिक को और उनको आकिब को। अच्छा हाँ जी तो उनसे मिल लेते हैं जाके, कोई मसला नहीं है। किस तरह मिलेंगे, वो मेरे से मिलेंगे ही नहीं। अरे प्लान है ना माइकल, कौन सी गाड़ी निकालनी है जल्दी निकालें, मेरे ख्याल से इसी पे चलते हैं फिर, ये देखें लेजेंडर स्टार्ट खड़ी है। अच्छा चलें चलें इसको ही निकाल लेते हैं फिर। हाँ जी आ जाएँ आ जाएँ, एक मिनट ठहरे मैं पहले इसका बॉनेट बंद करूँ ना। एक तो यार डॉक्टर साहब ने मुझे आज सारी इतनी डिटेल बताई है, भाई ये पहले यार मुझे सारा कुछ बता देते ना, सही बात है बात इतनी तक पहुँचनी नहीं थी। अभी आके बैठे ना भैया, अब देखते हैं यार कुछ प्लान बनाते हैं। आकिब के साथ भी यार बड़ा बुरा किया, सही बात है पछता रहा हूँ मैं इस टाइम। आ जाए बैठ भी जाए डॉक्टर साहब उधर से, यार क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आ जाए ना बैठ जाए। जी जी माइकल बैठ रहा हूँ आप बैठें, आ जाए ना फिर, अब टाइम नहीं है कह रहे हैं जल्दी निकलना है। जी जी आप चले चले निकालें चले माइकल निकालें, मैं अभी ना उनसे बात भी कर लेता हूँ तो उनको मैं किसी ना पॉइंट पर बुला लेता हूँ ठीक है। अच्छा वो ऐसे तो आएंगे नहीं, उन्हें कोई लालच देना पड़ेगा। माइकल असल में बात ऐसी है ना, अब देखिए आकिब भी यहाँ से निकल गया ठीक है, वो अब कोई जॉब तलाश कर रहा है। अच्छा और सादिक का भी ना थोड़ा बहुत मसला बन रहा है कोई। अच्छा हाँ जी क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसका ना कुछ सैलरी का इशू है, क्योंकि बड़े उसने ना स्टेटसेस लगाए होते हैं अपने बॉस के खिलाफ। अच्छा व्हाट्सएप स्टेटस, जी जी बिल्कुल हाँ व्हाट्सएप स्टेटस से याद आया, मैंने आपके भी स्टेटसेस देखे थे वो नॉर्थ यंगटन वाले। अच्छा फिर क्या माइकल फिर मजा कराया ना उसने, डॉक्टर साहब मैं कहता हूँ क्या ही बात है एंड लेवल। अरे छोटे छोटे आप जो डिस्कशन हो रही है आप उसके बारे में बात करें ना। जी जी मैं उसके बारे में बात करूँ, आप पहले उन्हें बुला लेना ज़रा। माइकल किधर बुलाएं ये तो देख लें, किधर बुलाना है। एक काम करें आप इधर से अंदर सिटी में हो ना ठीक है, तो हाँ एक काम करते हैं ठहरे मैं उधर बुला लेता हूँ उन्हें और आपने फिर पीछे रहना है। अच्छा हाँ जी जी आप चले मैं उनको बताता हूँ उन्होंने किधर आना है। अच्छा चले आप बात तो करें ना। जी जी मैं करता हूँ, मैं फ़ोन मिलाता हूँ एक मिनट से। चलो देखते हैं भाई अब क्या होगा यार आगे, सही बात है अब यार पछतावा हो रहा है मुझे सारे पे, बेशक टाइम काफ़ी गुजर गया है लेकिन सही बात है कमी भी थी यार बड़ी, ऐसे सादिक साहब की ना आदत भी मुझे हुई भी थी ऐसे उनके साथ यार, बड़ी अच्छी दोस्ती थी। अरे माइकल चुप करें। हाँ भाई क्या हाल है आके, अब ठीक है। अच्छा किधर है जानी इस टाइम। अच्छा अच्छा लेफ्ट हो जाए। अरे नहीं नहीं तुझे नहीं कह रहा यार, ये मैं उबर राइड पे आ रहा हूँ ना, ये ड्राइवर को बोला है यार, ये एक पेट्रोल पंप पे आएगा जरा 2 मिनट, बड़ी प्यारी यार एक जॉब आई है। हाँ हाँ बहुत अच्छी जॉब है भाई। अच्छा चल कोई मसला नहीं यार, सादिक साहब को भी ले आओ। हाँ भाई हमारे लिए तो यार अब इतने बड़े हम उनका एहतराम ही करेंगे, हमारे लिए तो अभी भी साहब ही है। चलो ठीक है इस पेट्रोल पंप पे पहुँचो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओके हो गया जानी, ओके हो गया। हाँ जी अल्लाह हाफिज़। हाँ जी अब बताएं मैं इधर गाड़ी लगा दूं फिर छुपा के। जी जी माइकल आप एक काम करें, गाड़ी इधर छुपा के खड़ी करें ठीक है, और आप भी कहीं गायब हो जाएं इधर से। अच्छा हाँ जी जी सही, मैं आपको बोलूँगा ना आपने उस टाइम आके उनसे बात करनी है। अच्छा अच्छा चलें ठीक है ठीक है। वो किधर है अभी माइकल, वो तो बड़ा अच्छा हो गया कि वो कह रहा है कि आकिब कह रहा है कि सादिक ना मेरे साथ ही है। अच्छा अच्छा चलें बेस्ट हो गया फिर, इधर बुला लें। बस माइकल आपने बाहर नहीं निकलना इधर से। जी जी उसकी आप टेंशन ही ना लें। चलो भाई शुक्र है यार, जिस मिशन पे लगे हुए थे ना आज फाइनली वो मिशन हो जाएगा, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से ना बस यार मेरे दिल पे ऐसे एक बोझ सा था, मैंने कहा यार इनकी ना दोस्ती करानी है, क्योंकि बहुत यार वो शरीफ इंसान है दोनों, उनकी कोई कसूर नहीं उनका, पता नहीं क्या चक्कर है जी। असल में ना माइकल और नेचर का ये जो डॉक्टर है ये और चीज़ है।
ये बात तो ठीक है आके, देख ली यार कोई साजिश ना हो इसके पीछे। अरे नहीं नहीं सादिक साहब, क्यों टेंशन लेने पे हो, ना टेंशन ना लो, मैं नाल है ना तुसाने। ए ते है ना, फिर किसी वजह से मैं तेरे नाल भी आ गया, चल देखने और क्या करना है डॉक्टर। ओ नहीं नहीं ये कुछ नहीं कर सकना, तुसी टेंशन ना किनो, मैं तुम्हारे नाल हूं। अच्छा चल ठीक है जाते हैं देखते हैं। मेरे ख्याल से यही वाला पेट्रोल पंप कहाँ था? आहो मेरे ख्याल से भी ए खलता है सामने। चलो चलो मैं बाइक इधर पार्क करना ना, फिर इस नाल पूछने हैं जी जाके। चलो चलो बात करो। चले आ जाओ, मैं इधर थोड़ा देर आराम करूँगा। आए जी सादिक साहब आ जाए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। ओह वाह जी वाह, सादिक भी आया आज तो, क्या बात है। क्या हाल है जी, ठीक है आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ भाई, आप तो जी? क्या बात है सादिक साहब, हैं ईद का चांद ही बन गया? बस जी ईद का चांद बने तो नहीं है, किसी ने ना ईद का चांद बनने पर मजबूर कर दिया था। अरे जी पुरानी बातें छोड़े, अब क्या लेके बैठ गए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे से तो ना आप ये टांट मुझे तो ना मारे। अरे नहीं नहीं मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, और आप सुनाए ठीक है? जी जी मैं तो ठीक हूँ, और भाई आके तू बता। जी जी मैं ठीक। अच्छा मुझे बताएं कौन सी नौकरी है? अच्छा मैं एक मिनट बताता हूँ यार, एक काम करेगा पहले। हाँ जी जी बोले बोले। अरे एक मिनट यार, जब सामने से ना एक बंदा आ रहा है जरा, तो इधर तू इधर मुंह करके खड़ा रहे यार, उसको इधर बुला के लाना है, ठीक है? आ जाए चले, ठीक है ठीक है। हाँ बस ये कि यार वो आगे ना निकल जाए, देखता नहीं सामने। अच्छा अच्छा चले ठीक है ठीक है। चलो चलो मैं जल्दी से ना माइकल को यार इधर से ले जाता हूँ। अरे माइकल बात सुने। जी जी डॉक्टर साहब बोले बोले, जल्दी से गाड़ी में बैठे जल्दी से। हाँ जी आ जाए आ जाए। अरे माइकल आ गए, वो सामने ही है। अच्छा चले चले। अरे भाई साइड पे हो जाना यार ये तो। हाँ जी अच्छा किधर? अरे अरे आगे नहीं लेके जानी, पीछे पीछे। अच्छा हाँ ठीक है मुझे नज़र आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही थी। आप एक काम करें बस पार्किंग में ना रिवर्स करके लगा दें इधर। जी जी मैं लगा रहा हूँ। बस माइकल बेस्ट हो गया, अब आपने बात करनी है इनसे जाके, ठीक है? जी जी उसकी आप टेंशन ही ना लें। कैसे बात करूँ यार, ये सादिक साहब बहुत बुरा मैंने किया था। सादिक साहब। अरे ये कौन है यार, आवाज़ पहचानी पहचानी है। अरे ओए हो, और ये किधर से आ गए, ये मैं आपसे मिलने आया था। अरे अरे टेंशन ना ले यार, आके मैं तो दसिया सी ना। ओह सादिक साहब ये क्या हो गया। जी जी आप बोलो क्या है माइकल। हाँ अब माइकल क्या हो गया आके? अरे कोई नहीं माइकल साहब आप ठीक है? हाँ ठीक है यार, सबसे पहले तो भाई आप दोनों से यार मैं सॉरी करना चाह रहा हूँ दिल से, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने सारे मामला बता दिया, और ये सब कुछ वो जिमी का दोस्त जो है सनी उसने करवाया था। सादिक साहब कहते हैं तो हाथ जोड़ लूँ आपके आगे? अरे नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारे लिए इतना ही है कि सर आपको ना फील हो गया कि भाई मैंने गलत किया था। जी जी यही तो बात है, बस इसी वजह से ना फिर मैंने डॉक्टर साहब से आज मिलके प्लान बनाया, तो बाकी जॉब शॉप कोई भी नहीं है। सादिक साहब ठीक है? अच्छा सर क्या मतलब? अरे बताता हूँ आपको, पहले गले तो लगने साथ। अच्छा चले मिल ले। ये बात ऐसे आ भाई याकिब तू भी इधर। जी जी माइकल भाई ये चीज़ क्या बात है। बस भाई बताए फिर सादिक साहब और। जी जी मैं तो बिल्कुल ठीक, कोई नहीं बस अभी जा रहे थे जरा हम। अच्छा किधर जा रहा था आकिब? कोई नहीं बस खाना पैक कराने जा रहे थे। अच्छा चलो आ जाओ फिर मेरे साथ ही चलो। हम आते हैं ना बाइक पे जा रहे हैं हम फिर। अरे आ जाओ यार गाड़ी में बैठो, गाड़ी पे करवा लाते हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब, मुझे तो बड़ी मुश्किल काम लग रहा था ये। अरे नहीं माइकल सॉरी करना, कौन सा मुश्किल काम है, आसान सा काम है ये तो। हाँ जी ये बात भी है। आए जी बैठ गए सारे। जी जी माइकल भाई निकाल ले। और सुनाए सर जी ठीक हैं आप? जी जी मैं तो बिल्कुल ठीक, आप बताएं किधर काम कर रहे हैं फिर आजकल? कोई नहीं माइकल साहब ये ना पूछे ज़्यादा, फिर इनको ना सर्विस पता आपको भी बीपी के पेशेंट है, टेंशन ले जाएंगे। अच्छा मुझे सही बात है नहीं पता। अरे माइकल बताया था ना आपको वो इशू तनख्वाह वाला माइकल। हाँ जी जी बिल्कुल। चले मैं गाड़ी इधर ही पार्क कर रहा हूँ ना, आ जाएं फिर अंदर चलते हैं इधर रेस्टोरेंट में। और जी चलो माइकल साहब चले। चलो बस एक दफ़ा आए ना यार फिर इनसे ज़रा बात करते हैं। चले माइकल साहब आप चले, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। जी जी माइकल आप चले ना। हाँ जी आ जाएं। पता नहीं वैसे यार पापा की डर बिजी है उनको ना, मैंने भाई फोटो भी भेज दिए कि मैंने गाड़ी रिपेयर करवा दी है, कि वैसे बस डर लग गया था मैंने कभी पापा को टाट दूँ कि मैंने काम करवा लिया, फिर ये ना समझे ना कि ये गाड़ी बैठा हुआ है। खैर इधर मैं आया हूँ यार इस रास्ते पे ना, मैंने कहा भाई जरा चेक कर रही हो जीप भी कैसी है, और ऊपर से जरा ऑफ रोडिंग चेक करते हैं थोड़ी। ओह क्या बात है यार, वैसे कमाल ऑफ रोडिंग हो रही है, और इस तरह ये ना यार थोड़ा जरा मेरा माइंड भी चेंज हो जाएगा इस तरह कि भाई सुबह से जब वो ख्वाब देखा है ना यार, उसके बाद से बड़ा मुझे ऐसा डर सा लग रहा है, तो बस दिल में भी ना पुरुष ना यार थोड़ा है मेरा ये, मैंने कहा थोड़ा जरा माइंड चेंज करते हैं भाई जरा ऑफ रोडिंग वगैरह करते हैं इधर आके। यार ऑफ रोडिंग तो बड़ी कमाल है। अरे पानी भी आ गए, चलो फिर यार इसको पानी से भी गुजारते हैं, ये तो पानी ही नहीं है यार इतना।
ठहरो आगे मुझे पानी नजर आ रहा है। ओ भाई साहब, इधर से निकाल दिया ना यार इसको, चेक करते हैं। मेरे ख्याल से वैसे निकल तो जाएगी वो, आगे से निकाल के लेके जाता हूँ। अरे ये बंदे भी यार सामने एक तो खड़े हुए हैं ना, चलो इनके साइड से यार निकाल के लेके जाते हैं। बड़ा कमाल एरिया यार वैसे, ये तो आज मैं पहली दफा इधर आया हूँ। ये वैसे भी भाई ये जीप पे ये सारे काम होते हैं। भाई साइड पे हो जाओ, ये देखो यार कैसे साइड पे हुआ है। ओ चेक कर रहे हो भाई कैसे गुजर के गई है यार वैसे। एक और दफ़ा बंटा तो आया यार, चलो एक दोबारा चेक करते हैं। बड़ा मज़ा आया यार मुझे तो वैसे, हाइटेशन में काफ़ी है ना यार। फिर इस वैसे ना ज़्यादा डीप जाती नहीं है, गाड़ी के ऊपर ऊपर भी रहती है। ये देखो ये काफ़ी अंदर चली गई है, बंद ना हो जाए यार कहीं पानी ना घुस जाए। अरे नहीं नहीं भाई क्या बात है यार, बड़े आराम से निकल आई है। चलो फिट हो गया यार वैसे ये सीन तो। ये ऑफ रोडिंग भी चेक होगी है और ऊपर से ना इसी पानी से गाड़ी भी साफ होगी है। चेक कर रहे हो फिर ऐसे भी शीशे बंद किए बैठे, पानी कौन सा यार अंदर जाना था। ये बॉडी जरा साफ होगी है थोड़ी, और इसका यार मैंने वाइट पेंट करवाना था और रिम्स चेंज करवाए हैं। बस ठीक अब यार कस्टमर को हम दे देंगे, उसको गाड़ी भी पसंद आ जाएगी। अब हाईवे पे जाना है, चलो मेरे ख्याल से उधर से निकलते हैं यार। ये रास्ता निकला हुआ है ना इधर से, तो ट्रैफिक भी आ रही है सामने से यार इतनी। अरे पुलिस वाले भी सामने खड़े हुए हैं यार, इतना डरना क्या यार। ठहरो जरा इंशाल्लाह थोड़ा सीन करता हूँ। हाँ ठहरो ठहरो, ये चेक कर रही हो भाई साहब यार, जरा 4x4 का एडवांटेज तो लेना इधर। पुलिस वाले देख नहीं रहे पीछे, खैर इधर कुछ बोलेंगे भी नहीं भाई। ये एरिया ही ऐसा यार इधर, तो अब हम ऐसे ऑफरोडिंग कर सकते हैं ना। ये यार क्या बात है भाई, बहुत पावर है यार वैसे, मज़ा आ गया है। पुलिस वालों के सामने से भी निकल के जाता हूँ। नहीं भाई आज पीछे नहीं पड़ेंगे, इन्होंने देख लिया ना भाई ये कौन सी गाड़ी है। आज ये किसी ने कह रहे भाई इसके साथ ना कोई पंगा नहीं लेना हमने, इसके सामने से ड्रिफ्टिंग करता हूँ जाके। ये चीज़ ये चेक कर रहे हो भाई साहब, आपको मैंने बता दिया यार ये पीछे तो नहीं पड़ गए कहीं। अरे नहीं नहीं यार डरने वाली क्या बात है भाई, पढ़ने दो यार। हमारे पास 4000 cc इंजन गाड़ी है, अभी हमने इधर से रेस देनी है और यूँ भागेगी। क्योंकि वैसे भी भाई वो ये शिविक, अरे यार शिविक नहीं नहीं यार वो उसका नाम ले लिया तो शिविक नाम लेटर जाऊँ ना भाई आईना, जब भी मैं यार शिविक और 125 का नाम लिया करूँगा मुझे सही बात है ख्वाब याद आ जाएगा इस तरह। अरे अरे यार क्या करूँ। बस सर वो फिर कुछ टाइम के लिए रखी, फिर छोड़ दी थी मैंने खुद ही। नहीं नहीं ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक बिज़नेस आपका वेट कर रहा है। अच्छा सर कौन सा बिज़नेस, कोई छली रेडी वाला? अरे सादिक साहब क्या बात कर रहे हैं, न्यू शोरूम खोला है ना हमने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं डॉक्टर साहब ने बताया था, मुझे पता चला था। वो पता तो चल गया था ना, फिर क्या कहते हैं कल से आ रहे हैं? किस साइड पे सर? अपने बिजनेस पे और किधर। अच्छा वो चले मैं सोचूंगा सर। अब भी सादिक साहब सोचेंगे हैं। अच्छा अच्छा अंदर लेके जानी है गाड़ी इधर से। अच्छा इस एरिया में शिफ्ट हो गए थे फिर आप? जी जी बिल्कुल, बस थोड़े से ना मसाइल बन गए थे जिस वजह से फिर ना मुझे थोड़ा सस्ते पे एक रेंट आउट करना पड़ा घर, फिर इस वजह से वो पुराना जो मोहल्ला था वो मैंने छोड़ दिया। अच्छा अच्छा कौन सी साइड पे जाना है? जी बस आगे फिर इधर राइट हो जाए अंदर, ये बैक साइड पे एक मेरा कमरा है। अच्छा आपका बेटा भी था ना साथ? जी जी साथ ही था, लेकिन अभी ना वो थोड़ा काम गया हुआ है। अरे अरे सादिक साहब बता दें इसको, सच बात बता दें माइकल को, कोई बात नहीं। क्या हुआ डॉक्टर साहब? अरे कोई नहीं कोई, माइकल ना पूछे छोड़ें। अरे गाड़ी को क्या हो गया यार, ये आगे से हैं? अरे कोई नहीं माइकल लगती रहती है, खैर है खैर है। आज माइकल खुशी का दिन है, आज तो छोड़ें अब क्या ये आप फजूल लेके बैठ गए हैं। जी जी अच्छा सादिक साहब वैसे है ठीक है, कल सुबह कितने बजे तक आ रहे हैं आप शोरूम पे? सर आप टाइम बताएं, कोई मसला ही नहीं है। जी जी आप आएँ, एक ऑफिस भी रेडी है। अच्छा सर। जी जी बस देखें वो किस्मत सी एक रेडी हो गया और वो आपके नाम का लिखा हुआ था। जी जी बिल्कुल ये बात, चले सर फिर कल से आते हैं इंशाल्लाह। जी जी सही हो गया।